नहीं, पिछली मीटिंग में ही हमने सारे एमएलए को बोला था कि जो जो काम कराना है वो प्रस्ताव आप लोग दे दीजिए, तो अगर इसके अलावा कोई और प्रस्ताव अगर आता है तो फिर उस पर बोर्ड विचार करेगा। मेरे ख्याल से इसको लेकर के हमारे जल मंत्री ने काफी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। दो चीजें हैं, एक तो इस बार गर्मी जो बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, उससे जो है लोगों की वो डिमांड बढ़ी है। दूसरा, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका समाधान, क्योंकि दिल्ली पानी पैदा नहीं करता है, हिमाचल से पानी चलता है फिर हरियाणा के माध्यम से यहां आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहां तक पहुंचाए, उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है, तो इसको लेकर के भी लगातार इस पर काम हो रहा है, बात कर रहे हैं लोग। दिल्ली के अंदर जो पानी है उसको कहीं लीकेज हो रहा है या कहीं अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, उसको लेकर के भी सरकार ने जो सभी हमारे एडीएम हैं, एसडीएम हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है कि यहां जो पानी का अगर अपव्यय हो रहा है, अगर बर्बाद हो रहा है तो उसको चेक किया जाए। और दूसरा, हमारी कोशिश है कि एक्स्ट्रा पानी हिमाचल और हरियाणा से हमारे पास आए। मुझे लगता है कि जल्द ही इसका समाधान होगा। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी तरह का, जैसे जो एडीएम और एसडीएम को जो ऑर्डर दिए गए, कहीं भी किसी तरह का अगर पानी का इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है उस पर वो कार्रवाई करें। जैसे मैंने कहा ना कि बात केवल एक जगह की नहीं है, वो तो चीज सामने आ गई है। दिल्ली के अंदर आप कहीं पर किसी भी तरह का अगर पानी का कोई दुरुपयोग कर रहा है, वो चीज सामने आती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। देखिए, मैं एलजी साहब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एलजी साहब अगर सब कुछ मानते हैं तो रोक क्यों नहीं देते हैं? पुलिस भी उनके पास है, सारे अधिकारियों को भी लेके बैठे हुए हैं। तो एलजी साहब, पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो दिल्ली के एलजी हैं। एलजी वो दिल्ली के हैं, चिंता उनको हरियाणा की होती है। भाई, हरियाणा के राज्यपाल बन जाइए, इतनी चिंता है तो। मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है, दिल्ली के अंदर ये सबको पता है कि दिल्ली की एक अकेली सरकार है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ करके जनता के लिए काम करती थी, करती है और करती रहेगी, ये सबको पता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठा करके जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? काम रोकने के लिए तो डाला गया है, चीजें रोकी जाए इसलिए तो डाला गया है। लेकिन उन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, अभिमन्यु को हर तरह से चक्रव्यूह में घेर करके मारने की साजिश हो रही है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कल भी हमने काम किया है, आज भी हम काम कर रहे हैं और कल भी हम काम करेंगे, यही दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल से संदेश है और हम उसके लिए जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हम क्यों गए थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिमाचल पानी दे, पानी जब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? एक बार तो बीरेंद्र सचदेवा से कोई पूछे कि अगर पानी सब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं आ रहा था तभी तो उसको समझ में आया कि पानी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, सरकार को भी नहीं मानते। मेरा केवल इतना निवेदन है कि हीट वेव बढ़ा है, हम सबकी वजह से बढ़ा है। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव दिल्ली में इस बार दिखा है। हमारी कोशिश है कि हम मिल करके इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। हम हरियाणा सरकार से भी बात कर रहे हैं, हिमाचल की सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम अदालत के सामने भी जा रहे हैं, हमारे सारे अधिकारियों को ग्राउंड पे भी हम उतार रहे हैं। चौतरफा हमारी कोशिश है, दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है, अगर कहीं भी पानी का अगर दुरुपयोग आपको दिखता है तो आप भी उसको नियंत्रित करें।